हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस मारो एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान से संबंधित अलग अलग एग्ज़ाम्स को लेकर, उसकी पाठन सामग्री को लेकर और भी उन चीज़ों को लेकर राजस्थान से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं। और कभी कभी हम यहाँ पर बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज़ की। क्यों लाते हैं सक्सेस स्टोरीज़ आपके लिए? इसलिए ताकि आपका मार्गदर्शन और अच्छे से हो और आप ज़्यादा मोटिवेटेड हों और इंस्पायर हों और ज़्यादा जोश से इस एग्ज़ाम को पास करने की जिद कर बैठे। तो आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है महावीर सिंह जोधा की, जिन्होंने सतत संघर्ष और सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। महावीर जी की जो आरएएस एग्जाम और उनके जीवन के अनुभव रहे हैं उन्होंने हमारे साथ वो साझा किया है। उनकी आरएएस परीक्षा में 3 प्रयास के बाद जो रैंक आई उसके बल पर उन्होंने आज एक अधिकारी का पद पा लिया। हालांकि उन्होंने 3 प्रयास में से जो उनका पहला प्रयास था वो 2010 में दिया था, जिसमें उनकी 483 रैंक आई थी। फिर 2012 में दिया जिसमें उनकी 76वीं रैंक आई, और फिर 2013 में जिसमें उनकी 11वीं रैंक आई। उनका परीक्षा का माध्यम हिंदी ही था, तो ऐसा भी नहीं था कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। वे रणसीसर जोधा के मूल निवासी हैं, जो डीडवाना तहसील के जिला नागौर में हैं। उनका जो कार्य अनुभव है वो है नर्सिंग सेवा, जो उन्होंने 12 वर्ष तक की, वाणिज्य कर सेवा जो उन्होंने 4 वर्ष तक की, और राजस्थान तहसीलदार सेवा जो 1 वर्ष तक की। उनकी शैक्षणिक योग्यता है कक्षा 10 में 76.40%, कक्षा 12वीं में 70.60% PCMB के साथ, और उनका जो स्कूल था वो था जवाहर नवोदय विद्यालय जो कुचामन सिटी में है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अपने करस्पॉन्डेंस से की, और फिर उसके बाद उन्होंने कोचिंग नहीं की, केवल सेल्फ स्टडी उन्होंने करके ये एग्ज़ाम दिए। उनकी हॉबी है मेडिटेशन और ध्यान योग, और वो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। वे कहते हैं कि उनके पिताजी सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं और उनकी माताजी और उनकी अर्धांगिनी एक गृहिणी हैं। हालांकि उनकी अर्धांगिनी भी MA BEd हैं, लेकिन फिर भी एक गृहिणी हैं, और उनके 2 पुत्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आजीविका चलाने के लिए उन्हें नर्सिंग सेवा का एक आधार मिल गया था। वो ये कहते हैं कि अगर हम कुछ भी करना चाहें, अपने क्षमता अनुसार आजमाने का अगर दृढ़ संकल्प कर लें तो हम ज़रूर कामयाब होते हैं। प्रथम बार आरएएस में जब उन्होंने असफलता प्राप्त की तो उनकी मित्रों के प्रेरणा और सहयोग से ही उन्होंने दोबारा कोशिश की, और फिर वो खड़े होकर एक जगह ये सोचने लगे कि इस दौरान मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका बौद्धिक पक्ष तो उन्हें कचोटता ही था। हालांकि वो नर्सिंग सेवा में थे तो निश्चय बिल्कुल अवसाद की गहराइयों में खोने के बाद उनके पास सिर्फ 2 विकल्प शेष थे कि या तो वो जीवन की अंधेरी काल कोठरी में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएं, या फिर संघर्ष करके स्वर्णिम उजाले का आलिंगन कर लें। और उन्होंने अपने आंतरिक आवाज़ को सुना और उन्होंने संघर्ष रूपी श्रेष्ठता का मार्ग चुना और स्वयं को आखिरकार साबित कर दिया। अध्ययन के दौरान जो उतार चढ़ाव आते हैं वो एक कटु सत्य है, उनका ये मानना है, लेकिन अगर आप में जज्बा, लगन और ईंधन है आग रूपी, तो आपकी स्व प्रेरणा की मशाल को अपने आप ही प्रज्वलित कर देगा, और दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको लक्ष्य से विचलित कर सके। संघर्ष के उपरांत मिली इस सफलता से वो ये कहते हैं कि उन्हें ये सीख मिली है कि यदि मानव अपनी अनंत क्षमताओं को जानकर दृढ़ निश्चयी होकर निरंतर प्रयास करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जीवन में आपको स्थिति प्रज्ञ एवं सकारात्मक रहकर विषय वस्तु को उसी रूप में जानकर जैसी वह है के अनुसार ही अपना कार्य व निर्णय करना चाहिए, भले ही वह जीवन का संघर्ष हो या प्रतियोगिता, परीक्षा, कुछ भी हो। नए आशार्थियों को वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप में ये भाव है कि मैं आरएएस बन सकता हूँ तो आधा लक्ष्य तो अपने आप ही पूरा हो गया है, क्योंकि आप में वो जज्बा है, तो बस क्या बचा, योजनाबद्ध निरंतर मेहनत करना, और वो अगर आप करेंगे तो सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये थी महावीर सिंह जोधा जी की कहानी जो मैंने आपके साथ साझा की, और
आपको निश्चित ही इससे कुछ तो मार्गदर्शन मिला होगा। चलती हूँ मैं, मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं अपने इस महारो एग्जाम चैनल पर। आपको कोई भी दुविधा है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट एरिया में लिखिए ताकि हम आपकी क्वेरीज जल्द से जल्द सॉल्व करें। और अगर आपको कुछ और भी जानना है राजस्थान से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ये बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप अपडेटेड रहें। ध्यान रखिए अपना, बहुत ख्याल रखिए अपना, मेहनत कीजिए। नमस्कार।